hello and welcome to incredible abhishek so we are continuing with our polity lecture series and in this video we are going to start the part 5 of the indian constitution this part 5 of the indian constitution deals with the topic of union executive we have so far completed the first four parts of our indian constitution we have seen the union and its territory citizenship fundamental rights directive principles of state policy and the fundamental duties that is part 4a of the constitution and from now on we'll be entering into the core political setup of this country hum ab ye janenge aage se abhi tak humne baatein jani ki ha preamble क्या होता है India क्या होगा India के लोग कौन से होंगे उनके पास क्या rights हैं उनके उनकी क्या duties हैं government की क्या काम है बट अब हम जानेंगे कि जो इंडिया का पॉलिटिकल सेटअप है वो किस तरीके से है उसको कौन से लोग हेड करते हैं जो लोग हेड करते हैं उनको हेड करने की परमिशन किसने दी उनके क्या प्रोसीजर्स हैं क्या फंक्शन हैं और उनसे जुड़े हुए सारे आस्पेक्ट्स तो हम शुरू कर रहे हैं तो हम शुरू कर रहे हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव से इसी तरीके से हम जैसे कि हम जानते हैं कि तीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी तो पहले तो हम यूनियन एग्जीक्यूटिव देख रहे हैं इसके बाद हम यूनियन लेजिसलेचर देखेंगे फिर हम जुडिशियरी की बात करेंगे उसके बाद सिमिलरली हम एग्जीक्यूटिव देखेंगे स्टेट्स के फिर हम लेजिसलेचर देखेंगे स्टेट्स का और फिर हम हायर कोर्ट्स की बात करेंगे हाई कोर्ट्स की बात करेंगे तो ये हमारा अब और इससे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की इन दोनों की पॉलिटिकल सेटअप को समझने में Uh, मतलब हम एलिजिबल होंगे समझने के लिए ये सब करने के बाद तो इसी प्लान के अकॉर्डिंग हम यूनियन एग्जीक्यूटिव शुरू कर रहे हैं जो हमारा पार्ट फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो सबसे पहला जो चीज हम यूनियन एग्जीक्यूटिव में पढ़ते हैं या जानते हैं वो आते हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है अब हम एक छोटे से थोड़े से टाइम में हम ये जान लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है और फिर उस कंटेक्स्ट में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टॉपिक को आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहली चीज हमें यह जाननी है हम ये समझ गए कि पार्ट फाइव में यूनियन एग्जीक्यूटिव दिया है आर्टिकल नंबर भी आप जान लीजिए आर्टिकल फिफ्टी टू से आर्टिकल सेवेंटी एट में यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात हुई है ठीक है यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है देखिए हमारे कंट्री में तीन ऑर्गन्स या दुनिया में भी कह सकते हैं तीन ऑर्गन्स होते हैं अभी हमने देखा जो लेजिस्लेचर है उसका काम है लॉज बनाना लॉज बनाना लॉज फॉर्मुलेट करना मतलब लॉज को फॉर्म करना लॉज को बनाना जो लेजिस्लेचर है एग्जीक्यूटिव का काम क्या है इन जो लॉज बन गए हैं उनको इंप्लीमेंट करना उनको एग्जीक्यूट करना इसीलिए एग्जीक्यूटिव बोलते हैं लेजिस्लेचर में क्या आता है हमारे देश का पार्लियामेंट हमारे देश के स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हमारे एम हैं वो लेजिस्लेटर्स हैं एग्जीक्यूटिव में क्या आता है एग्जीक्यूटिव में आते हैं ये पांच चीजें इसमें सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट फिर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर फिर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं डिफेंस होम फॉरेन अफेयर्स फाइनेंस उसके बाद एक और पोस्ट आता है अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया यह भी एग्जीक्यूटिव में आता है हम इसका एक अलग चैप्टर है हम पढ़ेंगे क्या होता है अटोर्नी जनरल आप यह समझ लो कि गवर्नमेंट का लॉयर गवर्नमेंट का वकील ठीक है तो यह होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव यह पांच लोग मिलकर क्या करते हैं यह लॉज एग्जीक्यूट करते हैं आप अभी ओवरऑल समझो ऑफकोर्स प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये सारा काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं तो ऐसा सेटअप होना जिसमें एग्जीक्यूटिव ये पांच लोग हैं लेकिन जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करने की रियल में जिनके पास पावर है वो है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो ऐसे सेटअप को ही हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जब हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बनाई तो उसमें हुआ कि इंडिया में एक पार्लियामेंट होगा इस पार्लियामेंट में इस पार्लियामेंट में अलग अलग एम बैठेंगे उन एम में से कुछ लोग चुन के प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएंगे जो भी इलेक्शन होगा डेमोक्रेटिक तरीके से जो जीतेंगे उस पार्टी का हेड पीएम बनेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेगा लेकिन अब हम आते हैं हम ये तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात है लेकिन हमें इस कंटेक्स्ट में समझना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है क्योंकि हमारा आज का क्लास प्रेसिडेंट पे है तो अब हम जाते हैं अपने इंट्रोडक्टरी स्लाइड uh, पे वापस देखिए जब हम बात कर रहे हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है ना तो हु बेटर देन डॉक्टर अंबेडकर हिमसेल्फ टू टेल अस अबाउट द पोजीशन ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमने देख लिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो सेंटर में आते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में असली पावर उनके पास है लेकिन हमें यह भी सुना है हमेशा से कि प्रेसिडेंट तो उनके भी ऊपर है प्रेसिडेंट तो सबसे सबसे सुप्रीम है फर्स्ट सिटीजन है तो इनका पोजिशन क्या है यह बड़ा समझना बहुत जरूरी है तो ये समझने के लिए देर इज नो जो कि डॉक्टर अम्बेडकर से बेटर हो यह समझाने के लिए तो डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था दो तीन बातें पहली चीज कि जो इंडियन प्रेसिडेंट है ना आप इस टर्म प्रेसिडेंट को यूएस के प्रेसिडेंट से कंफ्यूज मत कीजिएगा इन दोनों में यानी इंडियन प्रेसिडेंट में और यूएस के प्रेसिडेंट में नाम के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो ब्रिटेन के जो किंग और क्वीन होते हैं ना कहीं ना कहीं उनके समान है उनके तरीके के हैं हमने जब चैप्टर प्रियम्बल का पढ़ा था ना तो उसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था रिपब्लिक जिसका मतलब होता है कि यहां के जो प्रेसिडेंट है ना वो इलेक्टेड है।, है ना और जहां पे नहीं है वहां मोनार्की होती है वो मोनार्क होता है वो रिपब्लिक नहीं है जैसे ब्रिटेन तो ब्रिटेन में किंग एंड क्वीन है इंडिया में उस पोजीशन के बराबर में इंडियन प्रेसिडेंट बैठते हैं फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट है ठीक है तो पहली सिमिलैरिटी इंडियन प्रेसिडेंट की है किंग और क्वीन से डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि जो प्रेसिडेंट है ना वो हेड है स्टेट के यानी जो स्टेट है ये जो स्टेट है उसके हेड कौन है प्रेसिडेंट है इंडिया एज अ स्टेट का हेड कौन है प्रेसिडेंट है लेकिन गवर्नमेंट का हेड कौन है वो प्राइम मिनिस्टर है ठीक है तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है गवर्नमेंट के हेड नहीं है दूसरा जो डॉक्टर अंबेडकर ने तीसरी बात जो कही उन्होंने बोला कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को रूल नहीं करते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट द कंट्री बट डज नॉट रूल इट राइट तो ये पोजीशन डॉक्टर अंबेडकर ने बताई कि इंडियन प्रेसिडेंट की है जिससे हम कुछ चीज डिराइव कर सकते हैं ठीक है कोई चीज हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम इंटरप्रेट करके कुछ डिराइव करते हैं हम क्या डिराइव कर सकते हैं इससे इंडियन प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो ज्यादातर सेरेमोनियल है।, है ना वो कहीं कही ना कहीं एक रिप्रेजेंटेशन के लिए है वो एक सिग्नेटरी पोस्ट है इनके पास रियल में पावर्स नहीं है क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रखी है तो पावर तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है लेकिन सब काम हम प्रेसिडेंट से करवाते हैं ठीक है तो ये पोजीशन एक्सप्लेन करी डॉक्टर अंबेडकर ने ठीक है बहुत बहुत जगह कभी कभी जरूरत होता है कि कुछ हम अच्छे से एक्सप्लेन करें क्या है मैं आपको कुछ वर्ड्स कुछ कीवर्ड्स दे देता हूँ आपके काम आएगा जो किसी पॉलिटिकल स्कॉलर ने कही है इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में एक बात कही जाती है कि इंडियन प्रेसिडेंट जो है ना वो एक एम्बॉडीमेंट है कहीं लिख लीजिएगा आप लोग तो इसको एन एम्बॉडमेंट ऑफ द अल्टीमेट अथॉरिटी अब इसको समझाता हूं मैं क्या मतलब हुआ इसका कि एक अल्टीमेट अथॉरिटी जो है ना अल्टीमेट अथॉरिटी उसका इंबॉडीमेंट मतलब आप उस अल्टीमेट अथॉरिटी का अगर मैं आपको बोलूं और आपको उस अल्टीमेट अथॉरिटी को आंखों से देखना हो तो वो है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इज अथॉरिटी लेकिन ये जो अल्टीमेट अथॉरिटी का इम्बॉडीमेंट है ना इट मूव ओनली मतलब ये तभी काम करता है तभी चलता है वेन देर इज अ थ्रेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन राइट right. देखो कितनी बढ़िया लाइन है ना पहले पार्ट में तो हमने ये बता दिया कि अल्टीमेट अथॉरिटी का एम्बॉडीमेंट है लेकिन यह काम तभी करता है जब संविधान पे कोई खतरा हो यानी संविधान नॉर्मली अगर चल रहा है अगर सब कुछ भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा है तो ये सिर्फ एक एम्बॉडीमेंट ही रहता है इनका कोई काम नहीं होता ज्यादा सेरेमोनियल के अलावा लेकिन जब थ्रेट है संविधान पे संविधान पे ही थ्रेट आ गया है देन वॉट हैपन्स इनका रोल आ जाता है तो अब इस बैकग्राउंड से हमने हर चीज समझा उनके बारे में अब इस बैकग्राउंड से हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके की प्रोविजन की बात की गई है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के लिए ठीक है चलिए तो हमने देखा प्रेसिडेंट साहब क्या है इंडियन स्टेट के हेड हैं स्टेट के ध्यान रहे एमसीक्यू कभी-कभी बन जाता है बहुत क्लीशेड सा है कि गवर्नमेंट के हेड कौन है प्राइम मिनिस्टर लेकिन स्टेट के हेड कौन है प्रेसिडेंट ठीक है फर्स्ट सिटीजन है इस देश के पहले नागरिक हैं इस देश के और देखो मैंने बोला था ना संविधान जब तक ठीक है मतलब संविधान पे कोई खतरा नहीं है खतरा नहीं है इसका मतलब देश में यूनिटी है क्योंकि हमारा संविधान यूनिटी प्रो, प्रोपाउंड करता है और यूनिटी है देश में यानी संविधान में सब ठीक है इंटेग्रिटी है देश में सॉलिडारिटी है सॉलिड वर्ड से आया है सॉलिडारिटी सब कुछ सॉलिड है ऐसे समझो तो अगर ये तीन चीज है तो कहने का मतलब यानी ये तीन चीज है इसका मतलब संविधान खतरे में नहीं है यानी प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरह चलना ये बताता है कि देश में यूनिटी इंटेग्रिटी और सॉलिडेरिटी है तो ये एक सिंबल भी है यूनिटी इंटेग्रिटी और सॉलिडेरिटी की ठीक है एक और इसका छोटा सा एस्पेक्ट है यूनिटी इंटेग्रिटी सॉलिडेरिटी का देखो प्रेसिडेंट अभी हम देखेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है ना हमने बा, हम बात किस चैप्टर की कर रहे हैं हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं स्टेट की तो बात नहीं कर रहे हैं ना लेकिन ये यूनिटी के इसलिए सिंबल हैं क्योंकि इनके इलेक्शन में ना कि सिर्फ यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इलेक्टर्स होते हैं बल्कि स्टेट के भी होते हैं तो ये जो ये बताने का तरीका ही एक है सिंबोलिकल तरीके से ये बताया जा रहा है कि सुनो प्रेसिडेंट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के या यूनियन गवर्नमेंट के नहीं है वो पूरे स्टेट सब स्टेट्स के भी हैं पूरे इंडिया के हैं इंडियन स्टेट के हेड हैं तो भले वो यूनियन एग्जीक्यूटिव है लेकिन इलेक्शन में स्टेट भी पार्ट करेंगे क्योंकि प्रेसिडेंट स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है तो इस वजह से भी ये और यूनिटी के सिंबल बनते हैं ठीक है तो ये है प्रेसिडेंट अब हम आ जाते हैं बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक ही वही है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट पहली चीज तो ये जाननी है कि ये लिख लेना कहीं पे इंडियन प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ठीक है इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं डायरेक्टली नहीं होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो वोटर्स हैं ना मेरे आपके जैसे जो भी 18 प्लस के लोग हैं वो डायरेक्टली जाकर के बूथ पे और वोट दे रहे हैं जैसे हमारा वोटर आईडी कार्ड होता है इलेक्शन होते हैं तो हम जाते हैं ना अपने नाखून पे वो नीली सी इंक लगवाते हैं और फिर हम वोट देते हैं तो ये होता है डायरेक्ट इलेक्शन जहां हम आप डायरेक्टली पार्ट ले रहे हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जहां पे हम आप हैं पीछे हमने एक बार वोट देकर के एमपी या एमएलए को चुना हुआ है वो एमपी और एमएलए जो कि हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव है वो वोट दे रहे हैं हमारे बदले तो ये डायरेक्टली हम ना दे करके ये दे रहे हैं तो हम इसको कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन तो जो इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है course, आप आप में से सब मोस्टली लोग 18 प्लस होंगे या जो नहीं भी होंगे तो आपने जाके वोट दिया है कभी प्रेसिडेंट को अभी 2022 में ही इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट के तो तो हम आप तो वोट नहीं देने गए थे तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए थे एमपी एमएलए गए थे

डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए प्रेसिडेंट के लोगों को बोलो डायरेक्ट इलेक्शन कराने को डायरेक्टली वोट दें प्रेसिडेंट को तो सिर्फ आप ही के मन में ख्याल नहीं आ रहा केटी के टी शाह लेकिन देखो कुछ डिफरेंसेस हैं अभी मैंने क्या बोला आपने ये लिया ना के टी शाह इन्होंने भी परफॉर्म किया था देखो डिफरेंस ये है कि हमने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ़ पावर के लेकिन अगर हम इनको भी डायरेक्टली वोट दे रहे हैं और फिर उसके बाद हम ऑनरेबल प्रेसिडेंट को भी डायरेक्टली वोट दें और फिर डायरेक्टली इलेक्ट करने के बाद हम प्रेसिडेंट साहब को कोई रियल पावर्स ना दें सिर्फ हम एक सेरेमोनियल पावर्स के लिए डायरेक्ट इलेक्शन कराएं तो ये फीजिबल नहीं लगता देखो इलेक्शन कराना इंडिया जैसी कंट्री में इज अ कॉस्टली अफेयर राइट इलेक्शंस में पैसे लगते हैं रिसोर्सेस लगते हैं टाइम लगता है उतनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने होते हैं और ये सारा चीज करने के बाद जिस पोस्ट के लिए इलेक्शन हो रहा है उनके पास रियल में कुछ पावर्स भी नहीं है ज्यादा तो ये फिजिबल नहीं लग रहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर maker को मेकर्स को तो इस वजह से क्या हुआ कि हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन को प्रमोट करा ठीक है तो ये एक बात आती है अब इलेक्शन कैसे होता है इंडियन प्रेसिडेंट का तो इलेक्शन जो होता है उसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं ये एमसीप्यूज में बार बार आता रहता है आपको ध्यान रखना है इस चीज का देखो सबसे पहली चीज हमारे यहाँ पार्लियामेंट है हमारे देश में पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं लोकसभा एंड राज्यसभा देखो एक चीज हम पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे लोकसभा में जैसे कि मान लो जो भी मेंबर्स हैं उनमें से कुछ मेंबर्स अब तो खैर सारे ही मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड हैं पहले दो मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के वो इलेक्ट नहीं होते थे वो अन uh, इलेक्टेड no, थे ठीक है नॉमिनेटेड होते थे उसी तरह से राज्यसभा में भी कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं तो यानी कुछ इलेक्टेड कुछ नॉमिनेटेड तो लोकसभा से तो अब नॉमिनेटेड है ही नहीं राज्यसभा में है कुछ इलेक्टेड और कुछ नॉमिनेटेड तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होगा उसमें कौन कौन लोग वोट देंगे तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो वोट देंगे नॉमिनेटेड वाले नहीं देंगे वोट ध्यान रहे नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं देंगे इलेक्टेड मेंबर्स दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सिमिलरली जो स्टेट की असेंबलीज हैं जो स्टेट का लेजिस्लेचर uh, है उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स वहां भी दो हाउसेज होते हैं कभी कभी किसी किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधानसभा और विधान परिषद उसमें भी कुछ इलेक्टेड कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों में तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स स्टेट असेंबलीज के भी और तीसरी चीज हमने 1992 में ऐड करी कि दिल्ली और पॉण्डीचेरी ये दो ऐसे अभी प्रेजेंट में ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है बाकी जितने भी यूटीज हैं इनके पास अपनी असेंबली नहीं है इनके लिए जो भी कानून अप्लाई होता है, ये सब बना के देती है अपने पार्लियामेंट से लेकिन ये दोनों जो यूटीज है, इनके पास अपना, अपना वो है, है। तो इस लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्टेड के इलेक्शन में वोट देंगे ये ओरिजिनली नहीं था ये हमने बाद में सत्तरवीं अमेंडमेंट एक्ट नाइन से एड किया तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन वोट दे सकता है तो ध्यान रखना इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एंड पॉंडीचेरी और दूसरी चीज समझो अब मैं इसी का पूछूं कि कौन नहीं दे सकता है वोट तो भी बहुत आसान है पहला नॉमिनेटेड मेंबर नहीं देंगे देख लिया हमने यानी इनके भी नॉमिनेटेड नहीं देंगे इनके भी नॉमिनेटेड नहीं देंगे इनके भी नॉमिनेटेड नहीं देंगे एक और चीज समझनी है जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज लिखा है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं लिखा यानी जो स्टेट्स हैं जिन कुछ स्टेट्स में जिन स्टेट्स में दो हाउसेस हैं जहां पे यानी जहां पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है उन छह स्टेट में सिर्फ उनकी विधानसभा वोट देगी यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वोट देगी ये पूरी पूरा हाउस जो है ना ये अपर हाउस स्टेट का हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट में क्या क्या होता है स्टेट लेजिस्लेचर में बट ये जो दूसरा हाउस है ये पूरा ही हाउस वोट नहीं देगा तो दो लोग वोट नहीं देंगे दो कैटेगरी के लोग पहले नॉमिनेटेड मेंबर कहीं के भी हो और दूसरे इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद ठीक है ये ध्यान रखना इसको अच्छे से याद कर लेना ठीक है एक दो बार अच्छे से कर लोगे तो याद रहेगा तो ये आया बात अब आगे बढ़ते हैं कि इलेक्शन का जो मेथड है ये क्या देखो ये मेथड मैं समझाने बैठ सकता हूँ आधे घंटे में आपको ये मैथमेटिकली मेथड समझा सकता हूँ कि टोटल एक स्टेट है उसकी कितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन जो टोटल पॉपुलेशन है अगर आपको एमएलए का मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है एम के वैल्यू का एक वोट होता है हर स्टेट में एम होते हैं उन एम के एक वोट का वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है उस स्टेट का टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल नंबर ऑफ उसमें MLS कितने हैं एंड ब्ला ब्ला बट कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना आज तक कहीं भी ये इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं आता पर्पस ये नहीं है कि आप अपना स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज दिखाओ एग्जाम में कि ये मेरे को फॉर्मूला याद है नहीं वो आप क्वांट के सेक्शन में दिखाना यहां पे आपको समझना है सिर्फ दो चीज कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं वो दो मेथड से होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दो तरीके फॉलो किए हैं पहला है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पहले तो ये टर्म याद रख लेना क्या होता है जल्दी से बता देता हूं देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंट किया जाएगा होता क्या है कि जब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं मान लो तीन कैंडिडेट हैं या चार कैंडिडेट हैं तो कैंडिडेट ए कैंडिडेट बी कैंडिडेट सी कैंडिडेट डी जो वोटर्स होते हैं ना जैसे कि ये जो हमने पढ़ा था ये तीनों लोग इलेक्टेड लोग और ऐसे ऐसे मान लो कोई एम एल एड एम तो उसको वोट देना है तो ए बी सी डी चार कैंडिडेट हैं तो ये ऐसे नहीं करेगा बोलेगा चलो मेरा वोट बी को नहीं ऐसे नहीं होता इसमें ना प्रेफरेंसेस देने होते हैं कि चलो मेरा पहला प्रेफरेंस बी को और अगर बी नहीं बनते तो मेरा दूसरा प्रेफरेंस ए को मेरा तीसरा प्रेफरेंस डी को और मेरा चौथा प्रेफरेंस सी को एमएलएज को एमपीज को वोटर्स को प्रेसिडेंट इलेक्शन में प्रेफरेंसेस देने होते हैं ठीक है पहले राउंड में क्या होता है कि जिन मेंबर्स के पास जिन मेंबर्स को लीस्ट प्रेफरेंस आया है यानी मतलब मेंबर सी को ज्यादातर लोगों ने अपने फोर्थ प्रेफरेंस में रखा है तो होगा क्या कि ये मेंबर पहले ही राउंड के बाद बाहर हो जाएंगे इलेक्शन से मतलब अब ये नहीं बन सकते और इनके जो वोट्स हैं वो इनसे पहले वाले मेंबर को बेटर वाले मेंबर को ट्रांसफर हो जाएंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तो यही बेसिक बेसिक सिस्टम है ध्यान इतना ही रखना है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है प्रेफरेंस के बेसिस पे वोटिंग होती है और अलग अलग राउंड में जिनको सबसे ज्यादा लास्ट प्रेफरेंसेज मिले हैं वो एलिमिनेट होते रहते हैं और उनके वोट ट्रांसफर होते रहते हैं ऐसे ही है और अल्टीमेटली हमें आकर के मिल जाते हैं कि हाँ जी इनके पास सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंसेज वोट है ये बन गए हमारे प्रेसिडेंट ठीक है तो ये है इलेक्शन का मेथड दो टर्म आपको याद रखने हैं ध्यान रखना डिटेल में नहीं जाना कोई नहीं बोलेगा पेपर पेन ले और बताओ कैसे होता है ठीक है अब आते हैं क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट मतलब कौन बन सकता है प्रेसिडेंट इंडिया का कौन इलेक्शन लड़ सकता है तो ये बहुत सिंपल सी चीज है पांच छह चीजें आती हैं पहला इंडियन सिटीजन होने चाहिए ऑफ कोर्स होने चाहिए बिल्कुल होने चाहिए कोई डाउट ही नहीं है इसमें थर्टी फाइव इस ऑफ एज कंप्लीट होना चाहिए मतलब इज मैंडेटरी हम अलग अलग जगह जब क्वालिफिकेशन देखेंगे तो हम एज वेरी देखेंगे जैसे प्रेसिडेंट के लिए थर्टी फाइव ईयर्स चाहिए राज्यसभा में एम बनने के लिए थर्टी ईयर्स चाहिए लोकसभा में एमपी बनने के लिए ट्वेंटी फाइव चाहिए तो ये ध्यान रखना सबसे सीनियर एज रिक्वायरमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के ही में ही है थर्टी फाइव ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए ठीक है उसके बाद हम क्या देखेंगे कि वो एक लोकसभा के मेंबर ध्यान संघ सुनना लोकसभा के एमपी बनने के लिए वो एलिजिबल हों वो क्वालिफाइड हो ये नहीं लिखा है कि वो लोकसभा के एमपी हों वो एमपी लोकसभा के के एमपी बनने लिए एलिजिबल हों वो अगर चाहें तो बन सके उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए पूरी ठीक है ये एलिजिबिलिटी क्या है ये हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर में देखेंगे अभी बस ये क्वालिफिकेशन हम देख रहे हैं उसमें है कि लोकसभा के में ध्यान रखना कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है ना कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए एलिजिबल हूं तो ध्यान रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब हुआ लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐसा नहीं बोला जा रहा है बोला जा रहा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओनली इन लोकसभा बनने के लिए एलिजिबल हो नॉट राज्यसभा तो ये क्वालिफिकेशन हो गई ध्यान रखना है इसमें लोकसभा वर्ड और ध्यान रखना है क्वालिफाइड बस बनना नहीं है बस क्वालिफाई होना है उसके लिए नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जहां से आप पैसे जनरेट कर रहे हैं सरकार के अंदर वैसे आप इंसान नहीं होने चाहिए और दूसरा आप किसी भी हाउस के यानी लोकसभा राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेचर कहीं भी आप उसके मेंबर नहीं होने चाहिए अगर आप हैं तो आपको हट जाना होगा ठीक है आप नहीं हो सकते उसके ये है क्वालिफिकेशन आप कुछ बेसिक बातें फिर हम डिटेल में आगे फंक्शन वगैरह की बात करेंगे बेसिक बातें ये हैं जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनका टर्म कितने दिन का है तो आप सभी जानते हैं पांच साल तक का उनका टर्म होता है लेकिन इस पांच साल के बीच में वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं वो रिजाइन कर सकते हैं कि भाई मैं नहीं बनना चाहता छोड़ो उनका इंपीचमेंट हो सकता है इंपीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल अब रिमूवल को हमने इंपीचमेंट क्यों कह दिया तो देखो जान लो ऐसे ही कि सिर्फ प्रेसिडेंट ही ना इम्पीच होते हैं बाकी कोई इम्पीच नहीं होता बाकी सब में आएगा हम अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे कि कि इनको रिमूवल का का क्या क्या प्रोसीजर प्रोसीजर है है लेकिन प्रेसिडेंट साहब के बारे में बोलते हैं इनके का क्या है। क्यों इम्पीचमेंट बोलते हैं क्योंकि इम्पीचमेंट एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है ओनली लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है यहां पे कोई एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व नहीं होता ये पार्लियामेंट में शुरू होती है बात और पार्लियामेंट में खत्म हो जाती है बात लेकिन जब रिमूवल की बात आती है तो रिमूवल में जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हम पढ़ेंगे तो वहां रिमूवल इसलिए यूज किया जाता है ताकि क्योंकि वो पार्लियामेंट प्लस एग्जीक्यूटिव दोनों है पार्लियामेंट सारे प्रोसीजर फॉलो करेगी कि जज को हमें रिमूव करना है और फाइनली एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट साहब उसको फाइनली हटाएंगे यानी एक पार्लियामेंट भी इन्वॉल्व हुआ लेजिस्लेचर भी और एग्जीक्यूटिव भी तो इसलिए उसको रिमूवल बोलते हैं इंपीचमेंट एक टोटली लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है इसलिए इंपीचमेंट बोलते हैं तो प्रेसिडेंट साहब को रिमूवल लेजिस्लेटिव है तो हम इंपीचमेंट के बारे में पढ़ेंगे पहले क्या है कि रिजाइन कर सकते हैं इम्पीच भी कर सकते हैं इम्पीचमेंट जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है लेकिन इंपीचमेंट का ग्राउंड है कि इम्पीचमेंट कब कर देंगे जब मन करेगा तब नहीं एक ही वायोलेशन हो रहा अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन हो रहा है हमने वो एक अपनी स्टाइलिश सी डेफिनेशन कौन सी पढ़ी थी कि एम्बॉडीमेंट ऑफ द अल्टीमेट अथॉरिटी थ्रेट टू कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पे खतरा होगा तो ये ऑफिस ऐसा है ये काम करेगा ये मूव करेगा यानी इस ऑफिस को बनाया गया है संविधान की रक्षा के लिए ये कभी भी संविधान जब थोड़ा भी खतरे में हो तो ये आ जाएगा एक्शन में यानी ये संविधान के लिए है और अगर उसी संविधान का वायोलेशन ये खुद ही आदमी कर रहा है तब तो इसको रिमूव करना बनता है ना तो वही बात है इंपीचमेंट कब होगा जब प्रेसिडेंट साहब वायोलेट कर दें कॉन्स्टिट्यूशन को क्योंकि आप इसी के लिए आए हो आप इसी के प्रोटेक्शन के लिए आप इसी के सिंबल हो आप इसको वायोलेट नहीं कर सकते ठीक है फिर आता है अब हम आते हैं इम्पीचमेंट चार्जेस पे हम आगे प्रोसीजर देखेंगे कैसे बट पहली चीज ये जानना है जैसे पार्लियामेंट है ना हमने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना था तो हम पहले पार्लियामेंट गए हमने लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड मेंबर से वोट मांगा फिर हम स्टेट में गए फिर हमने वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर से वोट मांगा फिर हम डेली एंड पाण्डिचेरी गए वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर से वोट मांगा ठीक है वोट मांगा हमने बनाने के लिए इतने लोगों का वोट मांगा तीन मान लेते हैं इसको चलो लेकिन जब हमको इम्पीच करना है प्रेसिडेंट साहब को तो हम जाएंगे कहाँ पे पता है सिर्फ पार्लियामेंट में सिर्फ हम पार्लियामेंट जाएंगे इन दोनों जगह नहीं जाएंगे हम बस इलेक्शन के टाइम इनके पास जाएंगे अगर हमें हाँ प्रेसिडेंट साहब को बनाना है अगर हमें हाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना है तो ही वोट मांगने हम इनके पास जाएंगे प्रेसिडेंट साहब को इंपीच करना है तो हम सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे और पार्लियामेंट के अंदर हम कहां जाएंगे लोकसभा या राज्यसभा तो हम कहीं भी जा सकते हैं पहले पहले आप लोकसभा जाना चाहो वहां जाओ पहले आप राज्यसभा जाना चाहो आप वहां जाओ कोई दिक्कत नहीं है अब हम प्रोसीजर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बट उससे पहले कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं पहली चीज कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर तो इन्वॉल्व नहीं थे लेकिन प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में नॉमिनेटेड मेंबर इन्वॉल्व होते हैं उसी का उल्टा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट्स और दिल्ली पाण्डिचेरी ये सब भी इन्वॉल्व था बट प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो उल्टा हो गया यहां है ना इंपीचमेंट में नॉमिनेटेड मेंबर भी होंगे और इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होंगे इंपीचमेंट में स्टेट्स यूनियन टेरिटरी ऑफ डेली एंड पॉंडीचेरी नहीं होगा लेकिन इलेक्शन में ये ये होगा तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कभी कभी रहता है अच्छे से क्लास करने के बाद ध्यान से इसको पढ़ लेना एक बार पढ़ लोगे कभी नहीं भूलोगे ठीक है है तो ये है। अब हम देखते हैं इंपीचमेंट का प्रोसीजर देखो ये माइंड मैप सा दिया हुआ है पहले चलो मान लो हमने तो बात करी कि लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी इनिशिएट कर सकते हैं ये प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट साहब को रिमूव करना है एग्जाम्पल हम समझने के लिए मान लेते हैं कि लोकसभा में इनिशिएट हुआ सबसे पहले गया लोकसभा तो लोकसभा शुरू करता है इंपीचमेंट के चार्जेस कि क्या है चार्जेस कैसे आप बोल रहे हो वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है क्या नहीं तो ये सारी चीजें एक डॉक्यूमेंट पे लिखी हुई होंगी कि देखो प्रेसिडेंट साहब ने ये करा है जिसको हम मानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन है जो ये ऐसा कागज होगा ना ऐसे तो ये कोई भी कागज पे कुछ भी लिख के ले आए कि हम, मेरे अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट साहब ने ऐसे कर दिया है तो क्या हर दिन हम प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट चार्जेस कर देंगे इतना आसान होगा कि इस देश के सबसे बड़ी अथॉरिटी सबसे अल्टीमेट अथॉरिटी के, के पोजिशन को हिलाना नहीं ये जो डॉक्यूमेंट है ना जिसपे आप चार्ज फ्रेम करोगे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट उस डॉक्यूमेंट के नीचे आपको कुछ सिग्नेचर कराने पड़ेंगे पता है कितने सिग्नेचर लोकसभा के मेंबर्स का वन फोर्थ मतलब 25 परसेंट ऑफ द लोकसभा की जो जनता है ना उनके सिग्नेचर चाहिए इसके नीचे 25 परसेंट ऑफ लोकसभा के मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए कि इन चार्जेस और वो सारे अग्री करने चाहिए कि हाँ हम 25 परसेंट जनता ऑफ लोकसभा अग्री करते हैं कि ये चार्जेस प्रेसिडेंट साहब के अगेंस्ट बने तब जा करके तो हम एक्सेप्ट करेंगे कि चलो अब इस पर बात करते हैं अगर ये नहीं है तब तो हम बात ही नहीं करेंगे इस पर वहीं पर फाड़ के फेंक देंगे तो पहली चीज तो ये कि हमें ये मेंबर का वन फोर्थ ऑफ द का क्या चाहिए सिग्नेचर जैसे ही ये आ गया तो सबसे पहले हम एक चौदह दिन का नोटिस भेजेंगे देंगे बिल्कुल उनको कोई मजाक नहीं अगर मान लो लोकसभा में अब ये सारी डिस्कशन हुई और लोकसभा में वोटिंग की बात आई और वोटिंग में लोकसभा ने जो लोकसभा में जो मेंबर्स हैं ये टोटल मेंबर्स का टू थर्ड समझो ध्यान से सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट होता है ये टोटल लोकसभा मेंबरशिप का इतने लोग अगर बोलेंगे कि आए हम चाहते हैं आए जब पार्लियामेंट में कोई बिल आता है तो पूछा जाता है आय और दोज हु आर इन फेवर से आईज एंड हु आर अगेंस्ट इट से नो यह ऐसे बोला जाता है तो आए मतलब यस तो अगर ये इतने 66.66% .66 लोग ऑफ द लोकसभा यानी टू थर्ड ऑफ द लोकसभा अगर बोले कि यस हम चाहते हैं कि प्रेसिडेंट साहब इंपीच हो जाएं तो लोकसभा से माना जाएगा कि इंपीचमेंट मोशन पास हो गया और अब वो जाएगा राज्यसभा में दूसरे हाउस में है ना तो अब ये गया राज्यसभा में राज्यसभा राज्य के पास जब आएगा तो ये करेगा सबसे पहला काम इन्वेस्टिगेशन इन चार्जेस पे जो ये चार्जेस लगे हैं ना उसपे इन्वेस्टिगेशन करेगा राज्यसभा तो अगर पूछा जाए कहीं क्वेश्चन में कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन सा हाउस कौन सा हाउस इन्वेस्टिगेशन करता है तो क्या बोल देंगे राज्यसभा नहीं ये तो हमने एग्जाम्पल लिया है ना कि पहले लोकसभा में आया है तब हम बोलेंगे सेकेंड हाउस सेकेंड हाउस एक्ट एज द इन्वेस्टिगेटिंग हाउस अब वो सेकेंड हाउस लोकसभा हो या राज्यसभा हो कोई भी हो तो डिपेंड करता है पहले कहां आया बट हमेशा प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो सेकेंड हाउस होता है ना वो इन्वेस्टिगेशन करता है ठीक है और इस इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट का हक है कि वो पार्लियामेंट राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में आ सके वो आके बात कर सकते हैं अपनी बात रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है सब फेयर तरीके से होगा जब इन्वेस्टिगेशन हो गया और उसके बाद इन्होंने पाया कि नहीं नहीं इंपीचमेंट करना तो जरूरी है इन्होंने वायोलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन तब जा करके राज्यसभा भी सेम थर्ड अपनी टोटल मेजोरिटी की से पास करेगा और सिक्सटी सिक्स परसेंट ऑफ द राज्यसभा लोग के मेंबर्स भी बोलेंगे कि आए हटाओ इनको इम्पीच करो तब जाकर के प्रेसिडेंट साहब इम्पीच माने जाएंगे तो देखा आपने ये शुरू हुआ लोकसभा से और मतलब शुरू हुआ पार्लियामेंट के अंदर और खत्म भी हो गया पार्लियामेंट के अंदर इसीलिए इसको बोलते हैं बाकी किसी और का होता तो प्रोसीजर पार्लियामेंट में हो रहा होता और फाइनली आता कि ये अब पार्लियामेंट ने बोल दिया है कि इनको हटाओ रिमूव करो अब ये जाएगा पार्लियामेंट से बाहर ये लेटर जाएगा रिमूव करने वाला प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे इनको तो एग्जीक्यूटिव में इन्वॉल्व हो गया तो ये बात है ये है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का ठीक है ये हमने देख लिया आप आगे बढ़ते हैं वेन्सी अच्छा एक और चीज ये देखो इस इंपीचमेंट में कहीं भी स्टेट आया कहीं भी दिल्ली और पॉंडिचेरी का यू, यूटी का गवर्नमेंट आया नहीं आया ना यानी ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में होता है इसमें स्टेट्स और यूटीज का कोई रोल नहीं है दूसरी चीज कहीं भी इसमें हमने ये बोला कि इलेक्टेड मेंबर ही वोट करेंगे हम तो बोल रहे हैं कि भाई टोटल लोकसभा मेजोरिटी का टू थर्ड टोटल राज्यसभा मेजोरिटी का राज्यसभा मेंबर्स का टू थर्ड यानी नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड मेंबर दोनों आ गए नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड रिमूवल में दोनों होते हैं इलेक्शन में नॉमिनेटेड नहीं लेते हैं पार्ट लेकिन इंपीचमेंट में लेते हैं ठीक है अब आती है एक बात कि प्रेसिडेंट साहब के ऑफिस में वैकेंसी कब हो जाएगी ठीक है तो वैकेंसी बहुत तरीके से हो सकती है पहला तो भाई पांच साल का टर्म है अगर ये टर्म एक्सपायर हो जाए तो वैकेंसी आ जाएगी इसके अलावा भी वैकेंसी आ सकती है जैसे कि अनफॉर्चुनेटली अगर प्रेसिडेंट साहब की डेथ हो जाए भगवान ना करे फिर उसके बाद आ जाएगा रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन से भी हो सकता है प्रेसिडेंट साहब रिजाइन कर दें फिर आता है रिमूवल इंपीचमेंट जो हमने देख लिया तब भी वैकेंसी आ सकती है ना कोई प्रेसिडेंट साहब इंपीच हो गए तो तो वैकेंसी आ गई अब ये इसको अंडरलाइन क्यों करा है मैंने देखो अब एक कंसेप्ट मान लो कि प्रेसिडेंट साहब के ऑफिस में वेकेंसी आ गई किसी वजह से तो जनरली देखो याद मैंने कैसे किया था मैं इसी तरह से आपको बताऊंगा ये समझना कि एक केस के अलावा हर जगह अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी आएगी तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कुछ दिन के लिए प्रेसिडेंट बनेंगे जब तक इलेक्शन ना हो जाए सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे वो है पहला वाला कि अगर मान लो अभी हम बात करते हैं अभी हमारे इस एक्स प्राइम प्रेसिडेंट थे कौन श्री रामनाथ कोविंद जी ठीक है रामनाथ कोविंद जी थे ठीक है मान लो इनका टर्म एक्सपायर हुआ जुलाई 2022 में ठीक है बट फॉर एनी रीजन किसी भी रीजन की वजह से जुलाई 2022 तक जब इनका टर्म खत्म हो रहा है तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कराती है वो किसी वजह से या किसी कारण की वजह से भी नए प्रेसिडेंट के चुनने का इलेक्शन नहीं खिलाफ है तो इनका टर्म तो खत्म होता है लेकिन इसमें एक ये है कि अगर किसी वजह से इलेक्शन नहीं हो पा रहा है इनके टर्म खत्म होने तक देन जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं बन जाएं, तब तक यही कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो अगर मान लो ऐसा हो कि तीन महीने तक नहीं हो सकता इलेक्शन किसी रीजन की वजह से कुछ भी हो जाए तो मान लो अक्टूबर में इलेक्शन होता है तो अक्टूबर तक कौन रहेगा प्रेसिडेंट यही रहेंगे ये कंटिन्यू करेंगे यानी अगर एक्सपायरी टर्म का हो गया पांच साल और उसके बाद भी रहना है तो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं प्रेसिडेंट वहां पे वही जो प्रेसिडेंट है वही कंटिन्यू करते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर डेथ हो जाता है भगवान ना करे या वो रिजाइन कर देते हैं या वो इम्पीच हो जाता है तो होता क्या है तो अगर प्रेसिडेंट साहब इम्पीच हो गए रिजाइन कर दिया अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई तो क्या होता है तो सबसे पहली चीज ये होगी कि वाइस प्रेसिडेंट साहब को हम तो तुरंत तात्कालीन प्रभाव से तुरंत बना देंगे प्रेसिडेंट ठीक है और ये बनाने के बाद हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है कि अगले छह महीने तक अगले छह महीने तक वो इलेक्शन करा ले प्रेसिडेंट के मान लो प्रेसिडेंट साहब ने जुलाई में रिजाइन कर दिया ठीक है जुलाई के ठीक नेक्स्ट डे से वाइस प्रेसिडेंट बन गए प्रेसिडेंट और अगले छह महीने में यानी जनवरी तक यानी जनवरी के बीच तक कहीं भी इलेक्शन हो जाने चाहिए और मान लो नवंबर में इलेक्शन करा लिए तो जुलाई से नवंबर तक वाइस प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट बन के रहे नवंबर में इलेक्शन करा लिए हमने तो नवंबर में हमारे पास आ गए प्रेसिडेंट साहब तो अब इनका जो टर्म है ना ये नवंबर टू नवंबर काउंट होगा पांच साल ये जुलाई अब खत्म हो गया अब ये नवंबर टू नवंबर चलेगा तो बाकी डेथ के, के केस में रेजिग्नेशन के केस में या रिमूवल के केस में बाई इंपीचमेंट इन तीनों केसेस में सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं प्रेसिडेंट और उसके बाद इलेक्शन के हिसाब से बनते हैं नए कैंडिडेट लेकिन अगर टर्म एक्सपायर हो हो गया हो, तब तो जो प्रीवियस प्रेसिडेंट है वही कंटिन्यू करते हैं ठीक है इसीलिए इसके अंदर एक अंडरलाइन दे दिया है ताकि आपको याद रहे कि अच्छा, ये अलग वाला इकलौता केस था जहां वाइस प्रेसिडेंट एक भी दिन के लिए नहीं बनते लेकिन बाकी तीनों में वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं ये हमने कुछ बेसिक बातें हमारे प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में देख ली अब हम चलते हैं पावर्स एंड फंक्शन प्रेसिडेंट समझने ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे सेरिमोनियल है मोस्टली तो देखते हैं क्या है उससे पहले एक मैं आपको चीज बता देता हूँ देखो एक ना सुप्रीम कोर्ट में केस आया था उस केस का नाम था राम जवाया केस राम जवाया केस नहीं याद है मुझे बट चेक कर लेना राम, जवाय राम जवाया इंडिया है न, वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना इनके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर है तो जब अभी हम प्रेसिडेंट साहब के एग्जीक्यूटिव पावर की बात करेंगे तो ध्यान रखना कि एग्जीक्यूटिव पावर रियल में जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर है प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास जो कि एक्सरसाइज करते हैं इन द नेम ऑफ इन द नेम ऑफ होम इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ठीक है of, अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की एग्जीक्यूटिव पावर का सबसे पहला वही सेरिमोनियल कि सारे एग्जीक्यूटिव के जो काम होंगे वो प्रेसिडेंट साहब के नाम से लिए जाए किए जाएंगे ये प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं लेकिन क्या अपॉइंट अपनी मर्जी से कर देंगे नहीं इलेक्शंस होते हैं उस बेसिस पे जिस पार्टी को मेजॉरिटी आती है उस पार्टी का लीडर बनता है प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के कहने पे प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि अच्छा आप ए मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी मिस्टर डी को मिनिस्टर्स बना दीजिए और ये जो बोलते हैं वो उनको करना पड़ता है लेकिन यहीं पर एक आध और केस आता है जहां पे थोड़ी बहुत डिस्क्रिशन आ जाती है प्रेसिडेंट के साहब के पास कैसे जब किसी पार्टी को मेजोरिटी मिले ही नहीं इलेक्शन हुआ इलेक्शन में किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली तब तो अगर चुनना है प्राइ, प्राइम मिनिस्टर तो प्रेसिडेंट साहब की डिस्क्रिशन होती है वो किसी को भी चुन सकते हैं जैसे एक बार इंडिया में ही ऑनरेबल चंद्रशेखर जी बने थे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो उस टाइम पे उनकी पार्टी के पास तो 50-60 सीट्स भी नहीं थी और कोई से भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आई थी तो प्रेसिडेंट साहब उस टाइम पे जो थे उन्होंने अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हुए श्री चंद्रशेखर जी को बना दिया प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सॉरी तो ये एक फंक्शन है दूसरा अटॉर्नी जनरल कैग हम सब पढ़ेंगे सब बॉडीज क्या होती हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी गवर्नर्स और ये सारे जो हैं इन सारे मेंबर्स इन सबके चेयरमैन को मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है प्रेसिडेंट साहब अपने नाम में करते हैं कभी आप यूट्यूब पे किसी ऐसे डिग्नेटरी की अपॉइंटमेंट वो भी देख लेना वीडियो उसमें ये होता है बहुत सारे लोग एक हॉल में एक हॉल होता है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे बैठे होते हैं लास्ट में हमारे प्रेसिडेंट साहब आते हैं और यहाँ पे वो एक पेज लेते हैं उसमें ओथ पढ़ाते हैं और यहाँ पे जो मेंबर अपॉइंट हो रहे हैं वो ओथ पढ़ते हैं एंड देन प्रेसिडेंट साहब उनको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पे कौन खड़ा होगा मेंबर ये मिस्टर ए होंगे या बी होंगे ये तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही डिसाइड करते हैं तो इसीलिए है सब कुछ सेरेमनी करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये भी course, सी बात है सेरेमोनियल सारे काम यही हो रहे हैं इंटर स्टेट काउंसिल अपॉइंट करते हैं ताकि अलग अलग इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच का एक काउंसिल अलग अलग बहुत सारे काउंसिल्स हैं हमारे देश में ताकि स्टेट के बीच में कोऑपरेशन बढ़े कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना बढ़े तो इसलिए ये सब भी अपॉइंट करते हैं किसी भी एरिया को ये एक स्केड्यूल्ड एरिया बता सकते हैं हम फिफ्थ और सिक्सथ स्केड्यूल पढ़ेंगे आगे चल के उसमें हम देखेंगे कि इंडिया में कुछ स्केड्यूल्ड एरियाज़ होते हैं तो उस स्केड्यूल्ड एरियाज को कौन डिक्लेयर करता है उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन का पावर किसके पास है अल्टीमेटली तो वो प्रेसिडेंट साहब के पास है तो ये सब उनके एग्जीक्यूटिव कुछ कुछ फंक्शन हैं ठीक है बट हमें रामजवाया केस याद रखना है असली एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है अगला आता है लेजिस्लेटिव पावर्स भी होते हैं कुछ के पास जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट लॉ मेकिंग में कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो पहली चीज तो क्या होती है ना कि हमारे कंट्री में जो पार्लियामेंट है वो चौबीसों घंटे काम नहीं करती है तीन सौ पैंसठ दिन उसके अलग अलग सेशंस होते हैं आपने सुना होगा बजट सेशन आपने सुना होगा मॉनसून सेशन और फिर आपने सुना होगा विंटर सेशन ठीक है तो मान लो बजट सेशन मान के चलो कि खत्म हो गया मार्च के एंड में और फिर उसके बाद मॉनसून सेशन अगस्त में शुरू हो रहा है या सितंबर में शुरू हो रहा है तो कौन बुलाएगा मॉनसून सेशन में सारे एमपीज़ को प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट साहब पार्लियामेंट के हाउस के सेशन को प्रोरोग भी करते हैं डिजोल्व भी करते हैं इन टर्म्स का मीनिंग हम पार्लियामेंट चैप्टर में पढ़ेंगे बट डिसॉल्व करने का मतलब है कि वो पूरा खंद हो गया अब इसके बाद इलेक्शन होगा प्रोरोग मतलब कि इस बार के लिए वो खत्म हो गया इस सेशन के लिए तो प्रेसिडेंट करते हैं प्रेसिडेंट ही बुलाते हैं समन करते हैं सेशन को हाउस में कुछ मैसेज भेजना है प्रेसिडेंट साहब भेज सकते हैं ठीक है

ये एक्ट तब बनेगा जब यह पहले बिल पास हो गया मान लो दोनों हाउस से लोकसभा राज्यसभा से यह बिल एक्ट तब बनेगा जब इसको प्रेसिडेंट एसेट देंगे मतलब अपनी मर्जी हामी भरेंगे तब जाकर के एक्ट बनेगा <coughs> जैसे कि अभी मान लो टेलीकॉम बिल एक आने वाला है तो अगर कोई टेलीकॉम बिल आया तो ये लोकसभा में पास होगा पहले फिर राज्यसभा में पास होगा फिर ये बिल जाएगा कहां पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास और फिर ये एसेंट देंगे तब जाकर ये बिल बनेगा एक्ट तब लागू होगा तो ये कौन देता है ये प्रेसिडेंट साहब देते हैं इन्हीं के पास ये असेंट है इनके पास कुछ अलग अलग लोग बड़े महत्वपूर्ण लोग जैसे कि कैग जैसे कि यूपीएससी ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे बॉडीज जो है इनके पास एनुअली या कभी कभी रिपोर्ट्स भेजते हैं कुछ इनको लगता है कि नहीं ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो कैग ने भेजी है ना ये पार्लियामेंट में अगर मैं भेजूं तो इस पर डिस्कशन होना जरूरी है तो ये बोलेंगे पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि सुनो ये कैग का रिपोर्ट मैं तुम्हें दे रहा हूं तुम लोग इस पर डिस्कशन करो कर सकते हैं और एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर इनके पास जो है वो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हम हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आगे देखेंगे क्या होता है बट ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है एक तरह का लॉ कहने का मतलब कि पार्लियामेंट देखो तीन ही बार सेशन में है अब मान लो कि पार्लियामेंट का ये सेशन खत्म हुआ मार्च में और ये वाला सेशन मॉनसून शुरू हुआ सितंबर में तो क्या मार्च से सितंबर के बीच में देश को किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ सकती इस बीच तो पार्लियामेंट है नहीं और इमरजेंसी तरीके से कानून की जरूरत पड़ गई है तो क्या किया जाएगा तो कुछ पावर प्रेसिडेंट्स आपको दी गई है कि ये एक तरीके से ऑर्डिनेंस जिसको लॉ ही हुआ ये इस बीच में जब दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन वो सेशन में नहीं है वो गैप चल रहा है उनका रिसेस चल रहा है तो उस बीच में अगर कोई कानून की जरूरत है तो वो प्रेसिडेंट साहब बना सकते हैं और उस कानून को हम बोलेंगे ऑर्डिनेंस फिर से रामजवाया केस क्या प्रेसिडेंट अपने मर्जी से कानून बनाएंगे नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे प्रेसिडेंट से उसको इश्यू कर देंगे ये कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स हो गए फिर कुछ फाइनेंशियल पावर्स भी हैं हम पढ़ेंगे आगे चल के धीरे धीरे कि मनी बिल्स होता है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में जिसमें मनी रिलेटेड मैटर होता है उसको अगर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना है उस तरह के बिल को तो पहले प्रेसिडेंट साहब से पूछो प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है ध्यान रखना किसके लिए मनी बिल के लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है ठीक है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए एफ एस इसी को आप बोलते हैं बजट आप सुनते हैं ना फर्स्ट ऑफ फेब को इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करती हैं तो वो जो बजट है वो एक तरीके से ये बताया जाता है कि ये बजट प्रेसिडेंट साहब ही पेश करवा रहे हैं तो ही कॉजेज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक डिमांड फॉर ग्रांट होता है अलग अलग मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स डिमांड करती हैं बिना प्रेसिडेंट साहब के रिकमेंडेशन के ये नहीं कर सकते आप पार्लियामेंट में एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है जो प्रेसिडेंट साहब के पास होता है इमरजेंसी में अगर कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई तो एक ये, ये फंड है इस फंड के बाहर जो पैसा जाएगा वो कौन देगा प्रेसिडेंट साहब देंगे कोई अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर मतलब इसके बारे में आपने सोचा ना हो रैंडमली हो जाए और भगवान ना करे कभी पैसों की जरूरत ऐसे पड़ जाए तो एक फंड है इनके पास कंटिजेंसी के लिए तो वहां से कौन पैसे निकालेगा प्रेसिडेंट साहब निकालेंगे ठीक है हर पांच साल के बाद एक फाइनेंस कमीशन का गठन होगा ये फाइनेंस कमीशन क्या करेगा देखो हम मैं और आप टैक्स देते हैं है ना ये जो टैक्स देते हैं और उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है कुछ टैक्सेस स्टेट को देते हैं कुछ यूनियन को देते हैं लेकिन जो यूनियन और स्टेट है अब स यूनियन के पास ज्यादा टैक्सेज हैं स्टेट के मुकाबले तो कुछ टैक्से यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में बांटती है तो कितना बांटेगी भाई इस सरकार को मन किया बांटना है बांटना बांटना अगली सरकार को मन किया नहीं बाटना, नहीं बांटेंगे ऐसा है क्या नहीं ये एक संविधान में आर्टिकल 280 है उस 280 में एक फाइनेंस कमीशन है वो फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है जो बताता है कि यूनियन से स्टेट की तरफ कितने परसेंटेज ऑफ टैक्स देंगे ये जो फाइनेंस कमीशन है इसको कौन बनाता है इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब कब करते हैं एवरी फाइव अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है अभी चल रहा है फाइनेंस जिसके चेयरपर्सन कौन है एन के सिंह ठीक है इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया है रिपोर्ट में इन्होंने क्या बोला होगा कि तुम इतने परसेंटेज यूनियन स्टेट गवर्नमेंट्स को दो ये हैं कुछ फाइनेंशियल पावर्स फिर हम आते हैं जुडिशियल पावर पे कुछ इनके पास जुडिशियल पावर भी हैं ठीक है जुडिशियल पावर में सबसे इंपॉर्टेंट पावर इनके पास पार्डन देने की हम देखेंगे डिटेल में क्या होता है ये अभी आगे अगले स्लाइड में ही देखेंगे जब ये पावर फंक्शन खत्म कर लेंगे तो और भी कुछ इनके पास ये सारे वर्ड्स क्या हैं ये अभी हम तुरंत करेंगे ठीक है इनको छोड़ दो इसके अलावा इनके पास जुडिशियल पावर कुछ और होते हैं कि ये जजेस भी अपॉइंट करते हैं कहा के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट भी यही करते हैं तो ये भी एक जुडिशियल पावर हो गई ये कुछ कुछ सुप्रीम कोर्ट से कुछ एडवाइस भी ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट साहब कुछ एडवाइस मांग सकते हैं पर्सनली कि सुप्रीम कोर्ट साहब मुझे समझ नहीं आ रहा आप बताओ कुछ

पहला, पार्डनिंग, पहला, पार्डन है, पहला जो पार्डनिंग पावर है वो है है वो पार्डन खुदी। इसमें होता है ना कि किसी इंसान पे कोई केस चल रहा है तो आप उसको कंप्लीटली आप उसको कंप्लीटली एब्सॉल्व कर दो कंप्लीटली उसको आजाद कर दो उससे ठीक है आप उस पर्सन को जिसपे कोई केस चल रहा है जो कोई सजा भुगत रहा है आपने अगर उसको पार्डन कर दिया प्रेसिडेंट साहब ने तो इसका मतलब हो गया कि वो फाइनली वो कंप्लीटली अब्सॉल्व हो गया उस चीज से अब वो फुल्ली फ्री है फुल्ली विड्रॉन दूसरा आता है रिस्पाइट देखो मैंने कैसे याद किया अंदर रिस्पाइट में आता है एसपी 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 से याद रखना है स्पेशल केस अगर ऐसे याद हो तो ठीक है वरना अपनी अपने तरीके याद करो देखो रिस्पाइट रिस्पाइट में क्या होता है कि कुछ स्पेशल रीजंस की वजह से कुछ स्पेशल केस की वजह से हम कुछ सजा को कम कर देते हैं जैसे कि मान लो किसी के फिजिकल डिजेबिलिटी है कोई अगर मान लो जेल में है उस जेल में उसके दोनों पैर नहीं है तो पार्डनिंग पावर पार्डन मांगेगा प्रेसिडेंट साहब से प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि नहीं नहीं यार इसको पैर नहीं है ना एक काम करो इसकी सजा से दो साल कम कर दो तो प्रेसिडेंट साहब ने पता क्या किया रिस्पाइट किया ठीक है इसी तरीके का है रिप्राइव इन्होंने बोल दिया कि चलो कुछ दिन तक मैं तुम्हारे सजा पे स्टे लगा रहा हूं कुछ दिन तक कि तुम्हारे उस पर स्टे है एग्जीक्यूशन पे रोक दिया मैंने फिर आता है रेमिट। रेमिट का मतलब क्या होता है कि अगर 10 साल की सजा है तो 10 साल की सजा को कम करके 7 साल की सजा कर दी लेकिन सजा वही है अगर 10 साल में अगर 10 साल की लाइफ इंप्रिजनमेंट थी और उसके एकस, वाई जेड कंडीशंस थे तो 7 साल करने के बाद भी वो चीज सेम ही रहेगी बस को को कम कर दिया है, को कम कर कर दिया दिया है, है, टाइम फिर आता है कम्यूट कम्यूट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट से ध्यान रखना, सजा ए है और ये सजा बी है किसी को सजा ए मिली भी है, प्रेसिडेंट साहब ने उसको कम्यूट कर दिया तो उसको अब सजा बी मिल गई वर्षा भी चलेगा एक सजा को दूसरे सजा से रिप्लेस कर रिप्लेस कर देना किसी को अगर मान लो डेथ की सजा मिली है कैपिटल पनिशमेंट मिला है पार्डनिंग पावर में प्रेसिडेंट साहब ने पार्डन तो नहीं किया रिस्पाइट रिस्पाइट का कोई केस नहीं है स्पेशल केस नहीं है रिप्राइव भी नहीं किया रिमिट भी नहीं किया तो कम्यूट कर सकते कि चलो डेथ नहीं देकर अब तुमको लाइफ इंप्रिजनमेंट देंगे हम तो प्रेसिडेंट साहब ने यानी वो कम्यूट कर दिया उसका सजा तो ये पार्डनिंग पावर भी है भी एक तरीके की जुडिशियल पावर भी है सुप्रीम कोर्ट से कंसिडर नहीं करना पड़ रहा इनको इनके अपने पास है ये पावर तो ये हो गया जुडिशियल पावर अब आता है कि इनके पास कुछ मिलिट्री डिप्लोमेटिक और इमरजेंसी पावर्स भी हैं डिप्लोमेटिक पावर्स का मतलब क्या हुआ कि अब जैसे कि आपने देखा होगा अभी इंडिया ने जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी ली थी एक साल से हमने होस्ट करा जी ट्वेंटी समिट अब इस जी ट्वेंटी समिट का जो लेटर जो भी इनविटेशन लेटर हमने भेजा दूसरे देशों को तो क्या था उन देशों में उसमें था कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ भारत आपको बुला रहे हैं या फिर हम अम्बेसडर्स भेजते हैं अपने अलग अलग कंट्रीज में कौन भेजता है प्रेसिडेंट साहब भेजते हैं दूसरे देशों में जाकर के इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है प्रेसिडेंट साहब करते हैं तो डिप्लोमेटिक पावर्स हैं ये उनके मिलिट्री पावर्स क्या हैं तो मिलिट्री पावर्स तो वही है सीधी एक चीज समझ लो ये सुप्रीम कमांडर हैं किसके डिफेंस फोर्सेस के ठीक है यही अपॉइंट करते हैं चीफ ऑफ आर्मी नेवी एंड एयर फोर्सेस अगर कहीं वॉर हो जाता है तो बोला जाता है कि प्रेसिडेंट हैज द वॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज हैज्लेयर द वॉर है ना अगर कहीं पीस ब्रोकर हो रहा है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करना तो सेरिमोनियल हर चीज में हमने ध्यान रखना सेरेमोनियली हर चीज में हमने दे रखा है फिर आता है इमरजेंसी पावर्स देखो हमारे देश में तीन तरीके की इमरजेंसीज हैं उसमें प्रेसिडेंट्स आपके कुछ पावर्स हैं ये चीज अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्यों नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम इमरजेंसी का एक अलग चैप्टर ही पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है इंडिया में तीन तरीके की नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी ये तीन तरीके की इमरजेंसी होती है और तीनों में प्रेसिडेंट साहब का रोल है तीनों डिक्लेयर वही करते हैं तो उस पर क्या है कब करते हैं कैसे करते हैं कब वापस लेते हैं ये सब हम प्रेसिडेंट इमरजेंसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो ये तो हमारे कुछ पावर्स हो गए जनरल कुछ और पावर्स भी हैं इन्हीं के साइडलाइन में जैसे कि एक आता है वीटो पावर देखो वीटो पावर का मतलब क्या होता है ना कि एक तरीके का डिसीजन मेकिंग पावर की प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन हैं क्या कर सकते हैं तो इंडिया में चार तरीके के वीटो पावर हैं अब कहा इसकी जरूरत पड़ती है ये समझना जरूरी है देखो हमारा है पार्लियामेंट मान लो पार्लियामेंट ने सरकार ने कोई एक बिल लेके आई मान लो टेलीकॉम बिल अभी तक आया नहीं है इसलिए हम ऐसी बात कर रहे हैं इसकी टेलीकॉम बिल आया पार्लियामेंट में इसमें वन टू थ्री फोर फाइव प्रोविजन हैं इस बिल के पांच चीजें हैं इस बिल में लिखी हुई ठीक है पार्लियामेंट में आया लोकसभा में भी पास हो गया राज्यसभा में भी पास हो गया अब जाएगा कहां पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शन है तो उसी को बोलते हैं वीटो सबसे पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब के पास पावर है एब्सोल्यूट वीटो पता है इसमें क्या होता है प्रेसिडेंट साहब सीधा बोल देंगे देखो पहला पावर तो प्रेसिडेंट साहब के पास ये है पहला ऑप्शन तो ये है कि वो इसको पास कर दें एसेंट दे दें और ये एक्ट बन जाए लेकिन ना करने के क्या क्या तरीके हैं पहला है वीटो जिसमें आता है कि आप विदड्रॉ कर दो सीधा ही मना कर दो कि भाई साहब सुनो मैं तुम्हें इस चीज की एसेंट नहीं देता यह बिल नहीं पास होगा सीधा मना ठीक है दूसरा आता है क्वालिफाइड वीटो देखो क्वालिफाइड वीटो में यह होता है ना कि प्रेसिडेंट साहब ने क्या बोला मान लो लोकसभा और राज्यसभा में यह एक सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया मतलब कि उस दिन सौ लोग आए थे सौ लोगों में से इक्यावन लोगों ने बोल दिया कि हो गया हमें यह भी नहीं मतलब कह रहे लोकसभा में तो साढ़े पांच सौ लोग हैं उस दिन तो सौ ही आए थे उस दिन सिर्फ फिफ्टी वन ने बोला फाइव फोर्टी थ्री लोगों में से क्या पता बाकी लोग नहीं बोलते नहीं नहीं सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है हाउस में उस समय उस दिन उनकी मेजोरिटी सिंपल मेजॉरिटी तो अगर कोई बिल मान लो लोकसभा या राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी से दोनों में पास होता है और फिर प्रेसिडेंट साहब के पास आता है और प्रेसिडेंट साहब मना कर देते हैं उसके लिए कि नहीं नहीं पास करना है लेकिन बाद में ये सेम बिल रिटर्न जाता है हाउस में और अब हाउस इसको जो है सो एक मेजोरिटी के साथ पास कर देती है यानी सिंपल से ज्यादा बड़ी मेजोरिटी के साथ तब 51 लोगों ने माना था अब मान लो ये ऐसे कर देती है कि 400 लोग मान रहे हैं इस बिल के लिए कुछ कन्विंस कर दिया एक्सप्लेन किया डिबेट किया करेक्ट किया कुछ भी किया उससे अब 400 लोग मान गए तो मेजोरिटी बढ़ गई अब ज्यादा लोग मान रहे हैं इसको तो अगर ऐसा है ना तो वहां पर वो एक्ट बन जाएगा वो पास हो जाएगा वो प्रेसिडेंट साहब के पास आएगा और प्रेसिडेंट साहब को साइन करना पड़ेगा तो कहा गया कि प्रेसिडेंट साहब ने भेजा वापस लेकिन एक हाइयर मेजोरिटी की वजह से वो प्रेसिडेंट साहब को उसने हमने ओवरराइड कर दिया हमने इस चीज को प्रेसिडेंट के मना करने को तीसरा आता है सस्पेंसिव वीटो अब ये क्वालिफाइड वीटो इंडिया में नहीं है एब्सोल्यूट है एक केस में है बताऊंगा कहाँ है क्वालिफाइड वीटो इंडिया में नहीं है फिर आता है सस्पेंसिव वीटो ये हमारे इंडिया में है कब से से आया आया। ये? ये हमारे हुआ हुआ क्या क्या था? कि 42nd Amendment Act जो जो ना, ना, उसने क्या बोल दिया? साहब है ना, वो सारे executive काम करेंगे, डिसीजंस लेंगे कैसे लेंगे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो मिनिस्टर्स बोलेंगे उनके एडवाइस पे प्रेसिडेंट साहब सारे काम करेंगे ये तो भाई इस एक्ट ने ये अमेंडमेंट ने तो कर दिया कि मतलब प्रेसिडेंट के पास तो कुछ है ही नहीं सारे काम तो सिर्फ यूनियन काउंसिलेक्ट फोर्टी फोर्थ में किया गया है। श्री मोरारजी देसाई जी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे आया था एट में इस अमेंडमेंट ने बोला कि देखो ये प्रोविजन तो हम रख रहे हैं कि ठीक है एग्जीक्यूटिव डिसीजन सारे प्रेसिडेंट लेंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे लेकिन इन डिसीजन को प्रेसिडेंट साहब एक बार वंस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं एक बार ये बोल सकते हैं कि भाई एक बार फिर से देख लो ये इसलिए किया कि देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा पोजीशन है बहुत बड़ा पोजीशन है इतने बड़े पोजीशन का यह बोलना कि नहीं तुमने जो भेजा मेरे पास बिल मुझे वो पसंद नहीं आया तुम एक बार फिर से इस पर डिस्कशन करो एक बार फिर से इसको रिकंसिडर करो इस बात में बहुत वजन होता है यह इतनी बड़े मीडिया की दुनिया में सोशल मीडिया की दुनिया में यह बहुत बड़ा वो हो जाएगा बहुत बड़ा न्यूज हो जाएगा बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि प्रेसिडेंट साहब ने रिटर्न कर दिया तो उसके डर की वजह से उस प्रेशर की वजह से सरकार यह बिल नहीं बनाएगी अगर इसमें कुछ गलत चीज होगी तो क्योंकि तो उनको पता है कि लोगों का बहुत ध्यान है बहुत बड़ी बात होगी कि प्रेसिडेंट साहब ने ये रिटर्न कर दिया है तो इसलिए एक एक बार रिकेशन को तो यही चीज होता है सस्पेंसिव वीटो कि प्रेसिडेंट साहब ने मना कर दिया और दोबारा रिकंसिडर होकर वो फिर से प्रेसिडेंट साहब के पास गया और जब भी रिकंसिडर होकर प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा

अगर ऐसा है तो कहा जाता है प्रेसिडेंट साहब ने पॉकेट में डाल लिया उस बिल को और वो अब इंडिया में हंड्रेड तरीके से नहीं है क्यों नहीं है कि अब सुनो हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बना रखी है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम कहां से लेके आ जाएंगे कि प्रेसिडेंट साहब ने 100 परसेंट मना कर दिया किसी बिल के लिए लेकिन प्रेसिडेंट साहब सिर्फ एक केस में कर सकते हैं हंड्रेड परसेंट मना जब वो बिल कोई नॉन मिनिस्टर लेके आए अब मान लो कोई ऐसा बिल है अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है मान लो अभी कोई कांग्रेस का मेंबर एक बिल लेके आ जाए और किसी तरीके से पार्लियामेंट से पास भी करवा ले वैसे तो ये इम्पॉसिबल है कि उनकी मेजोरिटी नहीं है तो पास कहां से होगा तो पास भी करवा ले और उसके बाद ये प्रेसिडेंट साहब के पास जाए तो प्रेसिडेंट साहब इस पर नहीं हंड्रेड परसेंट हटाओ इसको लेकिन अगर यही बिल रूलिंग गवर्नमेंट लेके आए तो प्रेसिडेंट साहब एब्सोल्यूट वीटो नहीं लगा सकते सस्पेंसिव और पॉकेट लगा सकते हैं एब्सोल्यूट नहीं लगा सकते तो एब्सोल्यूट सिर्फ नॉन मिनिस्टर के बिल में है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल तो ये है वीटो पावर फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साहब के पास है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हमने ऑर्डिनेंस देख लिया था टेम्प्री तरीके का लॉ होता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर तब बनता है जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस सेशन में ना हो और कोई ऐसा इमरजेंसी वाला इश्यू हो जिसपे इमीडिएट एक्शन चाहिए हो तो पार्लियामान लो जुलाई में ऑर्डिनेंस आया ठीक है अगला जो पार्लियामेंट सेशन होने वाला है वो सितंबर में होने वाला है तो ये जुलाई के थर्टी वन डेज और अगस्त के थर्टी वन डेज तक ये बिल रहेगा डेज तक ये ऑर्डिनेंस है सितंबर सितंबर में ऑफ़ से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ तो पता है क्या कराना होगा तो ये जो ऑर्डिनेंस आपने पार्लियामेंट बंद थी जब नहीं सेशन में थी तो आप लेके आए थे ना इस ऑर्डिनेंस को लेकर के आओ पार्लियामेंट में और छह हफ्ते के अंदर में ध्यान रखना सिक्स मंथ नहीं कह रहा हूं सिक्स वीक कह रहा हूं छह वीक के अंदर में अप्रोक्स ढाई मंथ अप्रोक्स कितने मंथ हो गए डेढ़ मंथ के अंदर में इसको पास करवा लो पार्लियामेंट से डेढ़ महीने में और अगर ये डेढ़ महीने में तुमने पास नहीं करवाया तो ये ऑर्डिनेंस कैंसल हो जाएगा समझ गए तो जब तक पार्लियामेंट सेशन में नहीं है ऑर्डिनेंस लेकर के आओ लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आए उसके छह हफ्ते के अंदर में वो ऑर्डिनेंस को अप्रूव करवा लो पार्लियामेंट से क्योंकि अल्टीमेटली पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की तो पार्लियामेंट से तो पास कराना ही पड़ेगा और नहीं पास होगा तो वो ऑर्डिनेंस नहीं रहेगा फिर वो हट जाएगा ठीक है सब्जेक्ट टू तो जुडिशियल रिव्यू मतलब ऑर्डिनेंस को भी अगर ऑर्डिनेंस में भी कुछ इलीगल है या कुछ ऐसे प्रोविजन है जो गलत है तो जुडिशियरी उस पर रिव्यू कर सकती है उसको देख सकती है कि भाई क्या इसमें गलत है क्यों गलत है जैसे कि बाकी लॉ को कर सकती है ठीक है लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, एक केस था डीसी वाधवा केस डीसी वाधवा केस था एक उस डीसी वाधवा केस में बोला गया था कि देखो ऑर्डिनेंस का रिप्रमलगेशन मत करो होता क्या था कि सरकारें ये करती थी ना कि पार्लियामेंट में अगर लेके आओगे कोई बिल तब तो भाई ओपोजिशन होगा ओपोजिशन पार्टी है वो बोलेगी ये गलत कर रहे हो वो गलत कर रहे हो तो इससे अच्छा है कि जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं रहे तो प्रेसिडेंट साहब से एक ऑर्डिनेंस बनवा लो जितने दिन पार्लियामेंट नहीं रहे उतने दिन उस ऑर्डिनेंस को रखो जैसे ही पार्लियामेंट आ जाए उस ऑर्डिनेंस को वा खुद ही वापस ले लो ले ही नहीं जाओ उसको पार्लियामेंट में छह हफ्ते के अंदर उसको ले ही नहीं जाओ खुद ही वापस कर लो कि ऑर्डिनेंस हम खत्म करते हैं जितने दिन पार्लियामेंट एक दो महीने चलेगा खत्म करके रखो जैसे ही पार्लियामेंट फिर से उसका रीसेस आया फिर से उस ऑर्डिनेंस को सेम ऑर्डिनेंस को रोमलगेशन कर दो लेके आ जाओ मार्केट में फिर से तो ये तो एक तरीके से वादवा केस बोला था कि अगर आप ऑर्डिनेंस का रिप्रोमलगेशन कर रहे हो और आप ये ट्राई नहीं कर रहे हो कि उसको हम एक एक्ट बनाए पार्लियामेंट में लेकर के क्योंकि उस पर ऑपोजिशन होगा उस पर क्रिटिसिज्म होगा उस पर डिबेट होगा तो आप ये फ्रॉड कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन पे इट इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट दीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ये डीसी वाधवा केस में बोला गया था तो अगर क्वेश्चन आए कि डीसी वाधवा केस किस चीज से रिलेटेड है है तो वो रिलेटेडेशन ऑफ ऑर्डिनेंस से ये तो गलत बात है ना सरकार का आप लेके आओ पार्लियामेंट में डिबेट फेस करो आंसर दो क्वेश्चन के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का यही तो मतलब है तो ये ध्यान रखना तो यही ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हमारे प्रेसिडेंट uh, साहब की जिसमें वो इशू कर सकते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पार्डनिंग पावर है जो हमने देख लिया अच्छे से तो ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बड़ा चैप्टर है इंपॉर्टेंट चैप्टर है थोड़े से कंफ्यूजिंग पॉइंट्स भी हैं आई वुड रिकमेंड कि एक बार अच्छे से अब क्लास देख लिया है अच्छे से इसको दिमाग में बिठाओ अपने नोट्स और जो भी रेफर करते हो मटीरियल उस बुक से अच्छे से एक बार इसको पढ़ लो पूरा एक बार अगर अभी मेहनत कर ली क्लास प्लस वो स्टडी कर लिया अपना नोट्स और बुक उसके बाद समझने की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी और सब हो जाएगा इसमें ठीक है ये है तो ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं थैंक यू वेरी मच हैव अ गुड डे